ये हमारा गांव है, ये पूरा वेलकम था युगुरेटु में। आजकल यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कोई नेपाली मूवी लगी है जारी, ये नहीं होते तो मैं आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाती। दो दाई कहाँ को सिटोंग, यहाँ के लोकल के लिए। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुष्मिता। सभी को स्वागत है दार्जिलिंग के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मुझे जाना है कर्शिंग हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड है। मेरे साथ जा रहे हैं मेरी मम्मी। हाय नमस्ते। और मम्मी ने मेरे लिए खाना पैक किया है क्योंकि मुझे अभी खाली पेट जाना है। और मेरे साथ जा रहे मेरी भाभी भी, वो मिलेगी रास्ते में। सो चलिए चलते हैं। बड़े पापा पेड़ पे चढ़ रखे हैं घास काटने के लिए। हमें अपने घर से 800 मीटर पैदल चलना पड़ता है, और उसके बाद जो हमें जहाँ से गाड़ी लेनी है कर्शिंग के लिए, वहाँ पे गाड़ी मिलता है वो महानदी। इसको बोलते हैं हमारे पे गरेंडल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैशन फ्रूट्स। दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, सो हम भी छाता लेके जा रहे हैं। ये हमारा गांव है ये पूरा, और उसके बाद है ये दूसरा गांव जिसको बोलते हैं जंपना। हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो टैक्सी होती है उसके लिए ये ऐसे वैन चलती है, हमें इसी पे ही जाना पड़ेगा। ये है महानदी बाजार। अब यहाँ पे किसी का टर्न होगा तो हम उस पे बैठ के जाएंगे। और कोई नेपाली मूवी लगी है जारी, हम पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में आए थे तो मम्मी वगैरह भी उतर रही हैं। आजकल यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं क्योंकि अभी टूरिस्टों का सीजन है। सो ये है पूरा कर्शिंग, और ये जो है जहाँ पे मैं गई थी उस दिन घुमाने के लिए, ईगल क्रैक वो है। और जो ये वाला है वो है कर्शिंग का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रास्ते पे मिला मेरे भाभी, और वो जा रही है सुनादा। हाय बंदी ना। अभी हम लोग है मार्केट के अंदर, और हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। सो कर्शिंग में एक ही है, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये मेरा फ्रेंड है राहुल। हेलो, हाय बंदे। ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं। और यहाँ पे भैया एक रे दूध। दूध आए कहाँ को सिटोंग, एक जगह है वहाँ का है, वहाँ की सब्जी और दूध वगैरह बहुत अच्छा होता है। सो अब हम पहुँचे हैं बर्तमान रोड, इस रोड को बर्तमान रोड बोलते हैं। और यहाँ पे आगे में है हॉस्पिटल। मेरा चेकअप हो चुका है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सो अभी मुझे भूख लग रही है। दोनों चाउमीन खा रहे हैं, और मैं खाऊंगी जो मम्मी ने घर से मेरे लिए खाना पैक किया है। वो मैंने भिंडी आलू की सब्जी और ये अचार, और रोड पे दिखा जो बहुत अच्छे गाना गा रहे हैं। फिर से मम्मी लेने आई है, क्या लिया मम्मी? बेगुनिया को ये लेने आई है मम्मी। फिर ये जब बड़ी होगी तो ऐसी होगी, बेगुनिया बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे अंकल जी है उनके यहाँ से सब्जी ले रही हूँ। ये है हमारे यहाँ की मिर्ची डल्ले खुर्सानी, और ये छुरपी यहाँ के लोकल के लिए। ये है हनी बी, और ये घी, ये यहाँ के सारे लोकल चीजें। ये मेरे अंकल की शॉप है, यहाँ पे सारे बच्चों का चीजें मिलता है। अभी मिला मेरा भाई, और मैंने इसे सब्सक्राइब करवाया भाई। और जो ये स्टैंड है वो सिलगुड़ी के स्टैंड है, यहाँ से सिलगुड़ी के लिए गाड़ी मिलती है। पहुँच चुकी है क्लिनिक जहाँ पे मम्मी का आई टेस्ट होना है। यहाँ पे रास्ते में पहुंचा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो कर्शिंग है वो हमारा मेन टाउन है, और यहाँ पे कम से कम 40 से 50 गांव का ये सबसे मतलब मेन जो बाजार है वो है। और जो हमारी जो टैक्सी की किराई लगती है वो 50 रुपए है,
₹50 आने का और ₹50 जाने का। किसी ने आर्ट किया है, बहुत ही प्यारा टॉय ट्रेन का। और यहाँ पे है पूरा कशिंग। हम लोग पहुंच चुके हैं मानती बाजार। अब हमें यहाँ से पैदल को घर को जाना है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस पेड़ पे दो कलर के फूल है, एक पर्पल कलर का और एक व्हाइट कलर का एक ही पेड़ में। अमोगी के छोटे छोटे बच्चे। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज्यादा लेट हो गए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इसलिए वहाँ पे टाइम लगता है। अब मैं जा रही हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए भैया के घर, क्योंकि मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं चलता। जो भैया के घर है वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है। करण काका, हरिओम नारायण मंदिर। हरिओम नारायण, क्या करूँ बाबू? वीडियो अपलोड कर। हेलो भनिदिनु न। हेलो, हाय। हेलो मेरो दर्शकहरूलाई, हेलो हाई के भनिदिनु चाहनुहुन्छ? दर्शक बिन्दालाई सबैलाई स्वागत छ, आउनुहोस्, वेलकम छ। यो गोरेटोमा सानो बाटो छ तर धेरै मान्छे कुद्छ, हजुरहरू आउनुहोस्, वेलकम छ, सबैलाई हाम्रो निमन्त्रण छ। धन्यवाद धन्यवाद। और जो अभी रोड का काम भी चल रहा है और अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, पहले ड्रेन का काम कर रहे हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो पूरा यहाँ से नदी जैसा बह के आती है। भाभी ये दिखने में हाइट में छोटी पर इतना काम करती है, पूछो ही मत। भाई बाबूजू हेलो बंदिन ना। अभी भैया के घर। ये है मेरे भैया जिनके यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आती हूँ और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मैं आप तक वीडियो नहीं पहुँचा पाती, क्योंकि भैया के यहाँ पे चलता है वाईफाई, सो मैं इसलिए यहाँ पे अपलोड करने आती हूँ। और भैया को थैंक यू सो मच। थैंक यू किन थैंक यू भन्नु पर्दैन नि, हाम्रो गाउँको बहिनीहरूले यसरी नै राम्रोसँगले भिडियोहरू बनाएर आगे बढोस् होइन, त्यही चाहन्छु म पनि। फेरि पनि थ्याङ्क यू, वेलकम।